बोलना है? इसने बोला तोप, ए तोप, तू तोप लेने ता। तिवाली तेता पैता था यार तुम लोगों से? दांते माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ए त्या तुतुल पुतुल त्या। वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। तो आखिर हेरा फेरी 3 की कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स हैं शामिल? हेरा फेरी 3 कास्ट में अभिषेक बच्चन को शामिल करने का फैसला क्यों लिया गया है और क्या अभिषेक बच्चन की एंट्री से होगा कहानी में एक नया ट्विस्ट? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों हेरा फेरी एक हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म फ्रेंचाइज है जो बॉलीवुड की सबसे सफल कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाती है। अब दोस्तों वैसे तो इस फिल्म की पहचान परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी से है क्योंकि इन तीनों ने बाबूराव, राजा और श्याम के किरदार को इतनी बखूबी से निभाया है कि इन किरदारों ने लोगों के दिलों में परमानेंटली जगह बना ली है। लेकिन दोस्तों खबर ये आ रही है कि हेरा फेरी 3 में दो और एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा क्योंकि बॉलीवुड में पहले से ही काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों उनमें से एक जॉन अब्राहम के हेरा फेरी 3 में होने के बारे में हम आपको बता चुके हैं, पर दोस्तों आज जान लेते हैं कि कौन दूसरा एक्टर होगा जो इस फिल्म फ्रेंचाइज के लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों बता दूं कि हेरा फेरी 3 में अभिषेक बच्चन की हुई है सरप्राइजिंग एंट्री। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन इस फिल्म में कास्ट किए जाने की वजह है मूवी के डायरेक्टर में बदलाव। हेरा फेरी को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था, पर इस बार दोस्तों प्रियदर्शन के साथ ही इंद्र कुमार भी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। अब दोस्तों इंद्र कुमार का मानना है कि फिल्म में दो और एक्टर्स को इंक्लूड करके इसे मल्टी स्टार कास्ट फिल्म बनाकर इसकी कहानी को नई तरह से रचा जाएगा। हालांकि बाबूराव, राजू और श्याम का किरदार तो सेम ही रहेगा और उन्हें बदला नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों जॉन और अभिषेक बच्चन की एंट्री से नए किरदार जरूर देखने को मिलेंगे। अब 2018 में रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक बच्चन भी परेश रावल, सुनील शेट्टी और जॉन अब्राहम के साथ हेरा फेरी 3 के प्रमोशन करते हुए नजर आए थे। और दोस्तों कभी यहां बात भी कही गई थी कि अभिषेक बच्चन भी इस फिल्म फ्रेंचाइज के लास्ट इंस्टॉलमेंट में एक किरदार के रूप में नजर आएंगे। जब लोगों ने इस बात पर सवाल किया कि प्रमोशन के वक्त अभिषेक बच्चन क्यों है शामिल, तब उन एक्टर्स ने ये कहा कि अभिषेक बच्चन भी हेरा फेरी 3 में देखने को मिलेंगे और इसी वजह से वो भी अभी प्रमोशन के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि हेरा फेरी 3 में जॉन और अभिषेक बच्चन के होने से कहानी में अलग तड़का तो लगेगा ही, साथ ही बाबूराव, श्याम और राजू की तिगड़ी ने तो पहले ही बहुत धूम मचा रखी है। पर दोस्तों ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जॉन और अभिषेक के किरदार किस तरह इस फिल्म में नजर आते हैं और ये सारे एक्टर्स मिलकर हेरा फेरी 3 में कितना धमाका करते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और बॉलीवुड की न्यूज और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को और हमारी आज की राइटर है मधुरिमा।